मित्रों, प्राचीन काल में मंदिर सामाजिक केंद्र के महत्वपूर्ण स्थल थे। मंदिर ही ऐसी जगह थी जहां नृत्य, संगीत, युद्ध की कलाओं को सम्मानित किया जाता था। मित्रों, देश में आज भी कई मंदिर मौजूद हैं जो अतीत के कारीगरों की बेहतरीन शिल्पकला की याद दिलाते हैं। तो मित्रों, आज हम ऐसे ही एक बेहतरीन कारीगरी और शिल्पकारी की बात करेंगे जो हमें प्राचीन काल की याद दिलाती है। हेलो मित्रों, मैं हूं प्रवीर राजपूत, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पीके। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं भारत के गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के मुढेरा गांव में स्थित सूर्य मंदिर की, जिसे मुढेरा सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान सूर्य को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है, जिसे चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1027 CE के बाद बनवाया गया, जहां अब कोई पूजा पाठ नहीं की जाती है। लेकिन मित्रों, इस मंदिर की देखरेख भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। मित्रों, इस मंदिर में कई घटक हैं जैसे गुड मंडप, मंदिर हॉल, सभा मंडप, असेंबली हॉल और कुंड। मित्रों, इस मंदिर के खम्भों पर बारीकी से नक्काशी की गई है। जलाशय में कई छोटे बड़े मंदिर भी बनाए गए हैं जहां पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान गजनी महमूद ने मोटेरा पर 20,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया और मंदिर खंडित कर दिया। तब से आज तक इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती है। मंदिर परिसर मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है। मित्रों, यह मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। मित्रों, परिसर की पश्चिमी दीवार पर देवनागरी लिपि में उल्टा लिखा हुआ है विक्रम संवत 1083 का एक शिलालेख है जो 1026 और 1027 CE के अनुसार इसके अतिरिक्त कोई अन्य शिलालेख या तिथि नहीं मिलती है। मित्रों, जैसा कि शिलालेख में उल्टा लिखा है, यह मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण का सबूत देता है। मित्रों, कुछ लोग इस शिलालेख को निर्माण की तिथि न मानकर उसे गजनी के आक्रमण की तिथि मानते हैं। मित्रों, हमले के तुरंत बाद भीम प्रथम सत्ता में आए थे, इसीलिए मंदिर का मुख्य भाग और लघु और कुंड में मुख्य मंदिर 1026 CE के तुरंत बाद के बनाए गए थे। मित्रों, स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर गुजरात में सोलंकी शैली में मंदिरों में सर्वोच्च है। इस मंदिर के मंडप में सुंदरता से गढ़े पत्थरों के स्तंभ अष्टकोण योजना में खड़े किए गए हैं। मंडप की भारी दीवारों पर चारों ओर आले बने हुए हैं जिसमें अनेकों देवी देवताओं और अप्सराओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। सभा मंडप जो कि कोणीय योजना में बना हुआ है, सुंदर स्तंभों से युक्त है। सभा मंडप के सामने एक आयताकार कुंड है जो सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें नीचे उतरने के लिए अनेकों सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। साथ ही कुंड के अंदर छोटे छोटे मंदिर हैं जो कि देवी देवताओं जैसे शीतला माता, गणेश, शिव, विष्णु और अन्य को समर्पित। मित्रों, गुजरात के पर्यटन निगम के द्वारा जनवरी के तीसरे सप्ताह में उत्तरायण त्यौहार के बाद मंदिर में उत्तरार्ध महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 3 दिन का नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। मित्रों, इस मंदिर में बहुत ही बारीकी से शिल्पकारी की गई है जो बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलती है। मोटेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है जहां देश के और विदेश के अनेकों पर्यटक आते हैं। क्या मित्रों, आप किसी ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थल के पर गए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेलो मित्रों, मैं हूं प्रवीर राजपूत, जल्द मिलता हूं एक और नए मंदिर की कहानी को लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे।